हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन। आज हम बना रहे हैं एकदम नए तरीके से सूजी की मठरी। उसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया है, आप चाहे कटोरी से ले सकते हैं। मैंने एक पैन में 2 कटोरी पानी डाल दिया है। स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ा सा हम कसूरी मेथी डालेंगे इसमें, आधी टीस्पून अजवाइन, आधी टीस्पून जीरा, आधी टीस्पून लाल मिर्च। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो आप वो डाल लें, और 2 चम्मच तेल, टेबल स्पून तेल। अब इस पानी को हम एक बॉईल आने देंगे, इसे मिला लेंगे और एक बॉईल आने देते हैं। पानी में बॉईल आ गई है। ये हमने 1 कप सूजी ले ली है। सूजी को हमें मिक्सी के जार में पीस लेना है बारीक, चाहे हमारी मोटी हो चाहे पतली सूजी, उसे एकदम फाइन पीस लेना है। और इस प्रकार हम इसे चलाएंगे जिससे इसमें लम्स नहीं पड़े। को हमने अच्छे से मिला लिया है, इसके सारे लम्स हमने हटा दिए हैं। इस प्रकार दवा दवा के लम्स आ जाते हैं, तो उनको हटा देना है। अब इसे 1 से 2 मिनट हम गैस पर ही चलाते रहेंगे। इस प्रकार से हमारा ये गाढ़ा हो जाए, आटा सा हो जाए। अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं और इसे 10 से 15 मिनट इसे ठंडा होने देते हैं। दस से 15 मिनट बाद हम इसे, ये आटे के रूप में आ जाएगा, डो हो जाएगा हमारा आटे की तरह। इसे ठंडा होने छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा ये ठंडा हो गया है। इसे हम आटे हाथ से आटे की तरह इसे इकसार कर लेते हैं, डो लगा लेते हैं। जिस प्रकार इसे मैं थोड़ा घी लगा के गैस से हमने उतार लिया है, इसको इकसार कर लिया है। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस प्रकार इसे चकले पर इकसार करेंगे। को इकसार कर दिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई निकाल कर इसे हम बेलेंगे। बेलन पर और चकले पर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और इसे हम अपना गोल गोल बेलेंगे। और इस प्रकार से हम कटर से इसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। एक साइड मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है, उसमें इनको हम उठाकर फ्राई करते जाएंगे। इस प्रकार हम एक अपनी एक प्लेट में निकाल लेंगे और सभी सूजी के आटे को हम इसी प्रकार से छोटा छोटा, या आपको जैसे भी आकार अच्छा लगे आप बना लें। बनाकर हम तैयार कर लेंगे, फिर फ्राई करेंगे। दूसरी लोई को भी हम बेल लेते हैं। कभी कभी हमारी सूजी कभी गड़बड़ हो जाती है। यदि आपकी सूजी, मैंने 1 कप सूजी ली और 2 कप पानी लिया था, आप भी इसी प्रकार लें। और कभी कभी ऐसे होता है कि वो थोड़ी गीली हमारी सूजी रह जाती है, तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा मिला लें या गेहूं का आटा मिला लें। इस प्रकार डो तैयार कर लें। इस प्रकार हम अपनी और मठरी तैयार कर लेंगे सूजी से बनी हुई। कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया है,
इस प्रकार हम अपनी सारी सूजी की मठरी डालते जाएंगे और इनको सुनहरा होने तक भूनेंगे अलट पलट कर। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। मैंने मठरी डाल दी है, अब इनको एक साइड से सिक गई हैं। इस प्रकार पलट लेंगे और अलट पलट कर ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। मठरी हमारी फ्राई हो गई है, इनको हम निकाल लेते हैं। और मठरियाँ फ्राई कर लेते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करिए और बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यदि आप मेरी रेसिपी पर अभी तक कोई भी कमेंट नहीं किया है तो कमेंट में बताइए अच्छा या बुरा। और एक लाइक तो बनता है। और यदि पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसे दबाइए। इसी प्रकार हम अपनी सारी मठरियाँ तल लेंगे। हमने बाकी की मठरी भी उतार ली हैं फ्राई कर। मेरी मठरी बन गई है, ये एक कप में इतनी सारी मठरी बन गई है, एकदम क्रिस्पी बनी है। ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है, इनका नया ही टेस्ट है। एक बार आप भी बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी। ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है। अगली रेसिपी में मिलते हैं। जय जिनेंद्र।